नमस्कार। दिनांक 19 जून 2020 शुक्रवार सुबह देश राज्यों से बड़ी खबरें कुछ इस प्रकार से हैं। नितिन गडकरी बोले, भारत को अब नहीं रहना चाहिए चीनी सामान पर निर्भर, सरकार बना रही है नई नीति। योग दिवस को लेकर मोदी जी की अपील, कहा घर पर परिवार के साथ करें योग, सोशल डिस्टेंसिंग का रखें ख्याल। 21 जून को है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। चीन से तनाव पर आज सर्वदलीय बैठक, सोनिया ममता होंगी शामिल, पर आम आदमी पार्टी को नहीं दिया गया है न्योता। तिब्बती पीएम बोले, गलवान पर चीन का अधिकार नहीं है, गलत दावा कर रही है चीनी सरकार। मोदी के मंत्री रामदास अठावले बोले, चाइनीज फूड का करें बहिष्कार, चीनी रेस्टोरेंट बंद करें सरकार। कुछ खबर गुजरात से। कथावाचक मुरारी बापू के साथ हाथापाई, भगवान कृष्ण के बारे में टिप्पणी को लेकर भड़के पूर्व भाजपा विधायक। अब चलिए कुछ पॉलिटिकल न्यूज की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं राज्यसभा चुनाव से, जहां एमपी से सिंधिया और दिग्विजय के जीतने की पूरी पूरी उम्मीद। राजस्थान में भी तैयारियां पूरी। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए मतदान आज, शाम को ही आएंगे नतीजे। मणिपुर में सियासी हलचल तेज, स्पीकर को हटाने की मांग, बाद कांग्रेस ने ठोका सरकार बनाने का दावा। खत लिख राज्यपाल से, कहा बुलाएं विशेष सत्र। अब खबरें कुछ विदेश मंत्रालय से। तो पहली खबर इसमें आ रही है कि भारतीय विदेश मंत्रालय को दो टूक, अपनी सीमा में रहे चीन, भारत संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। ईस्टर्न लद्दाख में राजनयिक और सैन्य स्तर पर तनाव कम करने के लिए बातचीत चल रही थी। 6 जून को भी बैठक हुई थी। 15 जून की रात को चीन ने गलवान वैली में यथास्थिति बदलने की कोशिश की। यह गुप्त मतदान था, इसलिए यह पता नहीं चल सका कि किन 8 देशों ने वोटिंग में हमारा साथ नहीं दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के अस्थाई सदस्य बनने पर यह खबर विदेश मंत्रालय से आई है। भारत सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्य के तौर विश्व शांति के लिए काम करेंगे हम। अंतर्राष्ट्रीय नियमों का और चार्टरों का पालन करते रहेंगे। टिड्डियों से लिपटने के लिए बुलाई गई बैठक में शामिल होने से पाकिस्तान ने किया इनकार। अब कुछ कोरोना की खबरें। WHO के शीर्ष वैज्ञानिक ने कहा, इस साल के अंत तक उपलब्ध हो सकती है कोरोना वैक्सीन। महाराष्ट्र में कल कोरोना के 3,752 नए मामले सामने आए और 100 की मौत। राज्य में कुल केस 1,20,504 हुए। अब तक 60,838 ठीक हो चुके हैं, स्वास्थ्य विभाग महाराष्ट्र ने कहा। गुजरात में कल कोरोना के 510 नए केस सामने आए और 31 लोगों की मौत हुई। राज्य में कुल केस 25,660 हुए। अब तक 1,592 की मौत, स्वास्थ्य विभाग गुजरात से खबर। अब राजस्थान में कुल कोरोना के 315 नए केस सामने आए और 17 लोगों की मौत हुई। 275 लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 10,742 ठीक हो चुके हैं और कुल 330 की मौत हुई है। ये खबर थी स्वास्थ्य विभाग राजस्थान से। अब सराफा बाजार से यह खबर है
कि सोना तो थोड़ा बड़ा है पर चांदी थोड़ी घटी है। नए और अलग अलग समाचार के लिए और फास्ट ट्रैक न्यूज के लिए देखते रहें इसी चैनल को जिसका नाम है आपका देसी चैनल।